हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने क्वेरीज डाली थी अपनी कि सर मैं स्टैट प्रो सीखूं या ईटैप सीखूं और कहां से सीखूं। ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं और आपको क्लियर करता हूं कि आपको सीखना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटप्रो जो सॉफ्टवेयर है ये बेंटली कंपनी का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और ईटैप्स जो है ये सीएसआई कंपनी का सॉफ्टवेयर है। स्टैटप्रो का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, और ईटैप्स का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। अब कंफ्यूजन यहां आती है कि मैं सीखूं कौन सा। तो कई लोग सोचते हैं मैं स्टैटप्रो, कई लोग सोचते हैं बेंटली, और वो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इंस्टीट्यूट वालों से पूछते हैं कि हमें सीखना कौन सा चाहिए, और उनका सीधा सीधा कहना यह होता है कि मेरे पास जिस चीज का ट्रेनर है हम उसी चीज को सपोर्ट करेंगे। तो फिर आपको उसी हिसाब से गाइड करते हैं जिस हिसाब से उनके पास फैकल्टी है, और इसमें आपके करियर का लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो आप समझ लो, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप स्टैटप्रो सॉफ्टवेयर को सीखो, क्योंकि स्टैटप्रो में स्टील स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा अच्छी एनालिसिस आ जाती है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, करने को हम आरसीसी भी करते हैं, बट आरसीसी के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर ईटैप्स है। आरसीसी आपको पता होना चाहिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर की एनालिसिस और डिजाइन करना है तो आप ईटैप सीख लो, क्योंकि ईटैप्स में हाई राइज बिल्डिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो, उसकी डिटेलिंग कर सकते हो, स्टैट में भी कर सकते हो, बट स्टैट में आपको डिटेलिंग के लिए आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। तो इस बेटर कि हम स्टैटप्रो को स्टील स्ट्रक्चर के लिए सीखें और ईटैप्स को हम लोग आरसीसी या कंक्रीट के लिए सीखे। तो आप देख लो कि आपको किस करियर में इंटरेस्ट है, आरसीसी के डिजाइन में इंटरेस्ट आता है या स्टील में आता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। दूसरी चीज आती है कि हम सीखे कहां से। तो सबसे पहले आपके सामने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है आप यहां से काफी हद तक गाइड पा सकते हो कि मुझे सीखना कौन सा चाहिए और इसमें क्या होता है और इसमें क्या हो सकता है। इसके बाद दूसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यूडेमी है। यूडेमी पे आप बहुत ही कम चार्जेस में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से आप अपने सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, और बहुत ही कम प्राइजेस में 1000-2000 में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे रेटिंग्स देख के आप अच्छे से कोर्स ज्वाइन करके वहां से भी सीख सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फेस टू फेस सीखना है, तो कई लोग अभी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी प्रीफर कर सकते हो कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। चौथा आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो वहां पर जाओ और उनसे पहले तो राय लो, फिर उनसे पूछो कि सर आपका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिक्स करो, और फिक्स करके वहां पे भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चार तरीके हैं, आज के टाइम में सीखना बहुत आसान हो चुका है हर चीजों को, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जब सीखते थे तो यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम पे, और दूसरे यूडेमी और ये दूसरे ब्रांड्स भी नहीं थे कि हम सीख सकते थे। तो हमारे पास ऑप्शन एक होता था कि हम इंस्टीट्यूट में ही जाके सीखते थे और हमें पता नहीं होता था कि क्या सीखना है, लेकिन आज के टाइम में हर चीज का रिव्यू, हर चीज का आपको ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये बीटेक वाले बच्चों और बीई वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर होगा, साथ ही साथ एमटेक वाले भी कर सकते हैं और एमई वाले भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग सोचते हैं कि मैंने डिप्लोमा किया है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टैटप्रो और ईटैप्स। कई लोग तो मुझे बोलते हैं, सर मैं डिप्लोमा या आईटीआई किया हूं, क्या मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? नहीं यार, मत करो। पता है क्या होता है, देखो सबसे पहली बात है कि अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है, तो सबसे पहले तो आईटीआई वालों के लिए बोलना चाहूंगा, आईटीआई में सिर्फ ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाता है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऑटोकैड को करो, और ऑटोकैड से जॉब को पहले करो, उसके साथ दूसरे सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे जब आपकी डिग्री बढ़ती जाए, आप डिप्लोमा कर लो साथ ही साथ, जैसे जैसे आपका डिप्लोमा हो जाता है तब आप ये सॉफ्टवेयर सीखोगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन डिप्लोमा में भी उतना आपको मजा नहीं आएगा अगर आपको मैनुअल डिजाइन नहीं आती है। तो अब बोलोगे, सर मैनुअल डिजाइन का क्या काम अगर हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं? भाई ये काम है कि अगर कॉलम ने बोल दिया कि 16 mm का बार डालना है और 6 bar डालने हैं, और आप परसेंटेज अब स्टील चेक कर रहे हो तो 8% हो गया, आपको तो पता ही नहीं कि कितने परसेंट स्टील डालने चाहिए। तो ये कब पता चलेगा? जब आप मैनुअल डिजाइन करोगे तब आपको पता चलेगा कि 0.8 से 6% के अंदर स्टील होना चाहिए, और 6 भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 4% से ऊपर की डिजाइन नहीं करनी चाहिए। तो मैनुअल डिजाइन बहुत जरूरी है।
पहले आप मैनुअल डिजाइन सीखो, इसके बाद मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि एसएफडी और बीएफडी। आप बोलोगे सर एसएफडी बीएफडी का क्या मतलब है? भाई आप एक स्ट्रक्चर का बिहेवियर पढ़ना है तो उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना यार, उसके रिएक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए एसएफडी बीएफडी और डिफ्लेक्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैनुअल कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो आप सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से सीख सकते हो, कोई भी चाहे ईटैप्स हो या स्टैट हो। इसके साथ ही साथ कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं लगती है, मैं मतलब अप्लाई किया हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता है कंपनियों की तरफ से। तो रिप्लाई इसलिए नहीं आता क्योंकि आप आसान शब्दों में केवल ऑटोकैड स्टैट प्रो अपने रिज्यूमे में लिख रखे हो और वो वहां पे आपको थोड़ी देख रहे हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप एक्सप्लेन करो सीवी में कि मुझे स्टैट प्रो में आता क्या क्या है। जैसे कि मैं अगर मेंशन करता हूं तो मैं लिखता हूं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस आरसीसी और स्टील दोनों की मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब नीचे आप वहां पर डालो सब्जेक्ट इंटरेस्ट। अगर आप सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं डालोगे जैसे कि स्टील है या कंक्रीट है कुछ इस तरीके जो आपके सब्जेक्ट फेवरेट हो, जैसे मेरा कंक्रीट है, ठीक है, तो आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उनको अगर वहां सीवी में नहीं डालोगे तो सामने वाले को क्या पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। साथ ही साथ जब मैंने कई बार कई वीडियोस में मेंशन किया था कि कवर लेटर के साथ ही रिज्यूमे को भेजो तभी आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कवर लेटर से क्लियर हो जाता है कि सामने वाले बंदे को कौन कौन से कोड्स आते हैं, एसीआई कोड आते हैं कि नहीं, इंडियन कोड आते हैं कि नहीं। हाँ तो वो क्लियर हो गया, उसके हिसाब से वो आपके रिज्यूम को देखेगा और उसको अच्छा लगेगा तो आपको कॉल करेगा या आपके मेल करेगा। तो आपको जीडी उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से ही अपने रिज्यूम को सेट करके अप्लाई करिए। डेफिनेटली अगर आप 50 जगह करेंगे तो एक जगह दो जगह तो जरूर रिप्लाई आना ही आना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे स्टैट सीखना है, ईटैप सीखना है और कहां से सीखना है। ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से पहले क्लियर कर लो। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो मैं आपके लिए बोलूंगा रेविट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके साथ बीआईएम में जाने के लिए। बीआईएम मींस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। सो डिप्लोमा वालों के लिए तो सबसे अच्छा वो रहता है बीटेक और एमटेक या बीई और एमई का अगर आप कोर्स कर रहे हो या कर चुके हो तो आपके लिए स्टैट प्रो और ईटैप्स बेहतरीन है। इसमें से आप क्लियर कर लो, आपको हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाना है तो ईटैप सीख लो, और अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट है या किसी और दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट है तो आप स्टैट प्रो को सीख लो। दोनों ही सॉफ्टवेयर बेहतरीन है बट मैं जो प्रीफर करूंगा आपके लिए वो मैं बोलूंगा कि आप ईटैप्स सीखो, क्योंकि ईटैप्स में एक फायदा है कि उसकी जो डिटेलिंग है बहुत ही बेहतरीन आ जाती है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती डिटेलिंग के लिए। बट ईटैप्स के जगह अगर आप स्टैट प्रो सीखते हो तो आपको डिटेलिंग के लिए आरसीडीसी सीखना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होगा, तो बेटर कि आप ईटैप्स सीख लो। मुझे लगता है दोस्तों आपको ईटैप्स और स्टैट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, साथ ही साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि कई दोस्त आपके उनका इंटरेस्ट नहीं है तो अभी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके एडमिशन ले लिए हैं तो उनका लॉस हो जाता है और उनको कैरियर में आगे प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज शेयर बटन पर क्लिक करके अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से शेयर करते हो तो मुझे लगता है चलो और मैं डिफरेंस बताता हूँ इनको, जिससे कि इनके पैसे लॉस ना हो और साथ ही साथ इनका कैरियर भी अच्छे से चले। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल करना, और साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको बताऊंगा जरूर जल्दी से जल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।